नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, ये हैफेड विभाग में चौकीदारा करने वाले वो कर्मचारी हैं जो पिछले 7-8 साल से हैफेड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निजी कंपनी के थ्रू इनको रोज़गार मिला था और ये उस रोज़गार पर बखूबी काम करने में जुटे हुए थे, लेकिन अब इनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि इनको ये कहा जा रहा है जो कौशल रोज़गार स्कीम है भारत सरकार की, उसके तहत इनको काम मिलेगा, लेकिन उसमें भी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। इनको ये कहा गया था कि आप अपने दस्तावेज जमा कराइए और दस्तावेज जमा कराने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कौशल विभाग में हो जाएगा और आपका रोज़गार यूं का यूं चलता रहेगा, लेकिन इनके अधिकारियों ने पता नहीं वो डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराए या क्या हुआ, अब इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है और उसी वजह से आज इनके रोज़गार पर खतरा मंडराने लगा है। तो कुछ छाती हैं, मैं उनसे बात करूंगा, क्या दिक्कतें उनकी आ रही हैं उनके सामने, सब क्या प्रॉब्लम आई जो आप यहाँ जिला उपायुक्त कार्यालय में आपको आना पड़ा। सर नमस्कार। सर हमें प्रॉब्लम ये है, जैसे दिसंबर माह में हमसे दस्तावेज एफएड विभाग ने ले लिए थे, जो आपका जो रजिस्ट्रेशन है एफएड विभाग डायरेक्ट कौशल निगम को भेज देगा, तो सर लगभग 4-5 महीने हो गए एफएड ने हमारा जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया कौशल विभाग में, और अब अंत में ये जवाब दे दिया कि आप सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आप सभी को घर बैठ के मतलब आपकी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जिन्होंने बाहर से जो आउटर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनको ये जॉब मिल जाएगी, और न ही हमें बाहर से रजिस्ट्रेशन करवाने दिया, हमको ये बोला गया था कि आप सभी का रजिस्ट्रेशन एफएड ऐसा कैसा डाटा आपको रोजगार नगर निगम को दे देगा, और वो अभी तक दिया नहीं सर, ये प्रॉब्लम। तो आप लोगों ने जो दस्तावेज जमा कराए थे तो वो दस्तावेज क्या आपके अधिकारियों ने आगे जमा नहीं कराए? वो बोल रहे हैं हमने तो आगे करवा दिए, बार बार में हमारे को यही बोला जा रहा है हमने अपनी तरफ से काम कर दिया, आगे से नहीं हो रहा, हमारे को ये पता नहीं है वो अधिकारियों ने नहीं करवाया या आगे नहीं गए हैं, हमारे को बार बार में यही बोल रहे हैं आपका काम हो जाएगा 5-10 दिन में हो जाएगा, बार बार में वेट करके। आज भी हम अपने अधिकारियों से मिले हैं, आज भी उन्होंने यही आश्वासन दिया हमारे को कि आपका काम 10-15 दिन में हम ट्राई कर रहे हैं, ये चीज़ बोल बोल के हमारे को आगे से आगे टाइम मिल रहा है। तो आप भी की काफ़ी उम्र है, कितने साल हो गए आपको नौकरी करते हुए? 11 साल हो गए जी, हम 7 साल का हमारा एक्सपीरियंस बन रहा है, और इब इनको कागज दिए इनको इतना थारा हो जाएगा, इब हमने बैठे रहे तो इब ये न बोले बोले थारा कौशल रोजगार तो नहीं होया, पर इब और के बंदे और आ जाएंगे तुम थारा को निकल आ जाएंगे। तो फिर ऐसे तो जैसे आपकी उम्र है और कहीं भी रोजगार नहीं कर सकते, तो ऐसे तो परिवार के लिए दिक्कतें पेश हो जाएंगी। हाँ जी, वही बच्चे इसी से अपना परिवार पाल रहा हूँ जी, इस रोजगार से पाल रहा हूँ, दो बच्चे हम पढ़ा रहा हूँ। हमारे से जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे सर वो हमने सब कुछ टाइम पहले हमने जमा करवा दिए हैं, वो कहाँ पे गलती रही है वो चीज़ तो वो जाने ना सर, हमारी तो कोई गलती नहीं, हमने जो भी चीज़ थी हमारी वो सब कुछ जमा करवा दिया, फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा ना, हमारी सैलरी टाइम से आ रही है, 3 महीने की सैलरी पिछले महीने 2 मंथ की आई थी, अब है अब 1.5 महीने से ऊपर हो गया हमारी सैलरी नहीं आई है, वो भी ये बोल रहे हैं कौशल रोजगार में रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपकी सैलरी आ जाएगी, नहीं होगा तो भाई उसका भी पता नहीं, आज ये बोल रहा है आपकी सैलरी आ जाएगी एजेंसी के थ्रू, जो पहले सिक्योरिटी एजेंसी थी उसके थ्रू बोल रहे हैं अब आपकी सैलरी आ जाएगी, पहले मना कर रहे थे कि कौशल रोजगार में रजिस्ट्रेशन होगा तो आपकी सैलरी आ जाएगी, तो ये सैलरी तो आ जाएगी बाकी नौकरी तो ख़त्म। हाँ, नौकरी के लिए बोल दिया कि भाई अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ना तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। एक और साथी हैं, हम इनसे बात करते हैं, आप लोग किसके थ्रू आपको जॉब मिली थी शुरू में? हम लोगों को सिक्योरिटी के थ्रू जॉब मिली थी सर। जी। तो प्राइवेट निजी कंपनियाँ? हाँ, प्राइवेट निजी कंपनियाँ थी, लिमिटेड थी, मतलब SIS कंपनी थी उस टाइम पे, उसके थ्रू हमने जॉब मिली थी। तो फिर अब क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई? अब ये सरकार की कोई स्कीम आई है कौशल रोजगार निगम, इसमें मतलब हमारा इसके थ्रू करवाएंगे अब उन निजी कंपनियों को साइड में करके, तो कागज़ देने के बजाय दिए हमने, उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अब जो सरकार का जो नियम था जितने जब तक उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने थे वो टाइम अब पूरा हो चुका है, अब उन्होंने अपना पोर्टल बंद कर लिया, अब बंद करने के बाद हमारा हुआ नहीं,
अब ऑफिस वाले भी ये बोल रहे हैं होगा होगा, जब सरकार ने पोर्टल ही बंद कर दिया तो अब कहाँ से होगा, पहले उन्होंने करवाया नहीं हमारा। तो क्या आप लोगों ने सब ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जमा कराए? डॉक्यूमेंट सर हमने तकरीबन अप्रैल या मार्च अप्रैल में हमने सब ने जमा करवा दिए सब कुछ डॉक्यूमेंट। उसके बाद सरकार ने शायद जुलाई तक, जून या जुलाई तक अपने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। 2 महीनों में उन्होंने हमारा मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। हम बाहर से भी करवा सकते थे लेकिन उन्होंने बोला कि यहीं से ऐसे ही हम एफर्ट से ही करवा देंगे सबका, यहीं मतलब जो भी डाटा है यहाँ से भेज के और यहीं पे आपकी ज्वाइनिंग यहीं रह जाएगी। तो वहाँ ठीक है, ये भी अच्छी बात है, एफर्ट की एफर्ट में ही रह जाएगी, नहीं तो हम बाहर से भी करवा सकते थे। अब वो पोर्टल बंद हो चुका है, अब हमारा रजिस्ट्रेशन होगा नहीं और हमको घर बैठना पड़ेगा, ये सिचुएशन आ गई है सर। टोटल कर्मचारी कितने हैं? टोटल कर्मचारी 180 प्लस हैं सर रोहतक जिले में, जितने भी जिले में और जिलों के सब के हो चुके हैं, एक रोहतक जिलों के ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुए सर। तो डीसी साहब से या अन्य अधिकारियों से मुलाकात हुई आप? अभी मिलने आए हुए हैं सर, डीसी साहब से एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जाके मिलेंगे, देखो डीसी साहब मिलेंगे या कल, मतलब जब भी मिलेंगे, मिलना तो है ही, आज तो बोल रहे हैं डीसी साहब आए नहीं हुए हैं तो कल फिर आएंगे। वैसे तो नौकरी पे खतरा मंडराने लग गया? नौकरी पे खतरा नहीं सर, नौकरी तो ये लगा लो 90% गई। तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो नौकरी नहीं है और रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं तो परिवार कैसे चलेगा फिर? परिवार सर यही था एक सारा। अब देखो क्या होता है, इतने बच्चों का अगर सरकार सुनेगी तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करें? नहीं होगा तो सर वही बात है, दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, अपना पेट तो पालना पड़ेगा, बच्चों का भी पेट पालना पड़ेगा, अपना पेट पालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ये तो है ना, 8-9 साल से लगे हुए हैं और हमने अपने पूरे डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, फिर हमारी थोड़ी ना गलती थी कुछ भी। आप लोगों में बहुत से बुजुर्ग भी हैं जो इसी के सारे अपना परिवार, इसी के सारे, इनको 10 साल हो चुके हैं, 10 किसी को 10 किसी को 12, बहुत पुराने हैं भी, लेकिन इनका भी नहीं हुआ, किसी का नहीं करवा रखा उन्होंने। अब हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। तो ये शख्स हैं और पूरे रोहतक ज़िले में ऐसे लगभग 180 प्लस कर्मचारी हैं, गलती किसी की भी रही हो लेकिन इनके रोज़गार पर खतरा मंडराने लगा है। खतरा क्या, ये तो ये कह रहे हैं कि अगर इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो इनका रोज़गार चला ही जाएगा और ऐसे में इनके सामने अपने परिवार को पालने की दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए गुहार लगाने के लिए सरकार से ये यहाँ पर पहुँचे हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए ताकि ये अपनी सेवाओं को चालू रख सकें। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।